हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों वेलकम ऑन माय चैनल, मेरा नाम है दिलीप, आप देख रहे हैं दी के इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों ये सोलो मेरे पास आया है, सेल जर्मन कंपनी का है, जिसमें इस पट्टी का मसला हो गया, इसकी जो पीछे डायोड पट्टी लगी हुई थी इसका मसला हो गया, तो इसकी डायोड पट्टी हम एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज करने का तरीका वगैरह और सारा डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अभी इसमें जो पट्टी वगैरह लगेगी तो उसको एक्सचेंज करेंगे, इसमें कौन सा मटेरियल वगैरह लगेगा, कौन सी पट्टी लगेगी, सारे डिटेल आपके भाइयों के साथ शेयर करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस पट्टी डायोड पट्टी है जो सोलर की 150 पट्टी है, तो उसको आप घर बैठे एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए आप सीख सकते हैं कि इसको एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें नई पट्टी वगैरह कैसे इंस्टॉल होगी, इसमें प्लस माइनस वगैरह वो सारे डिटेल्स वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो इसमें पट्टी लगाऊँगा, ये वाली पट्टी, इसमें ये देखें, इसमें ये पट्टी है, ये डायोड पट्टी है, इसमें मैं इसको एक्सचेंज करूँगा। ये नहीं ली है मार्केट से मैंने, तो अभी इसमें मैं लगा रहा हूँ। इसमें लगा कर पहले इसको निकालता हूँ, निकाल कर उसके वोल्ट वगैरह आपको चेक करवाता हूँ कितने वोल्ट आ रहे हैं अभी, और उसके बाद कितने वोल्ट आएंगे पट्टी लगने के बाद। ठीक है, इसमें कौन सी मटेरियल लगेगी इसको काबू करने के लिए, वो आपके साथ शेयर करूँगा सारी डिटेल वगैरह, तो बने रहिए वीडियो के साथ। आइए अपना इसको एक्सचेंज करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, सबसे पहले ये जो टांके इसमें लगे हुए हैं, ये आराम से इससे निकालें, कावे की मदद से इसको निकाल लें, आदत कर दें। इसके बाद इसके जो नीचे से कोई नौकली वगैरह चीज़ वगैरह जहाँ पेचकस वगैरह से इसको आराम से निकालिए, वो भी डिटेल बताऊंगा। पहले इसको आराम से इसको तारों को निकालें, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको पहले थोड़ा थोड़ा हीट दे तो ये नरम हो जाएगा, नरम होने के बाद ये खुद भी कुछ निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी ये पट्टी इसमें निकल गई, आदत हो चुकी है। तो दोस्तों अभी ये इसमें जो टांके लगे थे अंदर के पैनल के हिसाब से लगे हुए थे, इसमें जो टांके लगे हुए थे वो मैंने आदत कर ली है इस पट्टी से। तो अभी इस पट्टी को निकालने की बारी आती है, तो पट्टी को निकालते कैसे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, पेचकस की मदद से आपको थोड़ा इसको उसमें से जोर दे के थोड़ा अंदर लगाएं, तो ये आराम से खुद भी खुद निकल जाएगी। इसको मैं पहले लेटा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको प्लेट को ज़मीन की तरफ लेटा दी, तो अभी इसको निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका वगैरह आपको बताता हूँ सारे डिटेल के साथ। दोस्तों आप इस जो डायोड पट्टी है सोलर की पीछे ये लगी हुई है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरी देखें, इसमें देखें किसी मैंने इसको निकाल रहा हूँ। छः कनेक्शन हो सकते हैं, मगर इसमें चार हैं, तो कैसे होंगे इस कनेक्शन वो भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो ये पट्टी ऊपर की तरफ से खुलती है, तो अभी मैंने इसको खोल ली, अभी आपको मैं कनेक्शन में करके दिखाऊंगा कौन से कनेक्शन कहाँ कहाँ देने। ये मैजिक की पुड़ी है, अब इसके जो डब्बे इसमें मिलाएंगे, इसमें मिला कर इसको फिट करेंगे, फिट करके इसके कनेक्शन वगैरह दूंगा आपके सामने। तो वीडियो जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों।
और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अभी इसको दोनों को एक साथ मिला चेक करते हैं इसको। तो फाइनली फ्रेंड्स इसमें हम वायरिंग करते हैं, इसके कनेक्शन वगैरह लगाते हैं इसको, फिर इसको इसके वोल्ट वगैरह चेक करते हैं।